आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। विधायक पद से किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको अब बीजेपी राज्यसभा भेजेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हैं। बराला साहब, कितनी सच्चाई है लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा जा रहा है? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तो बताएगा कि उम्मीदवार कौन होगा, और जो भी उम्मीदवार आएगा, मैं तो एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो जीत करके जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर है, विधायक हैं, और इतने विधायक हैं कि कंफर्टेबल मेजोरिटी से हमारा उम्मीदवार जीत जाए। और ये भी हो सकता है कि इतना हमारे पास आंकड़ा देख करके विरोध में कोई कैंडिडेट भी ना आए। लेकिन कौन कौन से नामों पर चर्चा हुई, क्या क्या मतलब क्राइटेरिया रखा गया? क्योंकि अभी किरण चौधरी की बात करें, हाल ही में बीजेपी में आई, लगता है कि उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, क्योंकि रमणीक सिंह बिट्टू का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, ये तो किस किस के नाम चल रहे हैं, किसके नहीं, किसका फाइनल होना है, ये सारा केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। अभी जल्दबाजी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दोपहर तक आपको नाम भी आपके सामने आ जाएगा। और आज हमारे सब हमारे विधायक, चाहे वो पार्टी के विधायक हैं या हमारे समर्थक विधायक हैं, सब आपको चंडीगढ़ में शाम को दिखाई देंगे, और कल सब मिलकर के हमारे जो उम्मीदवार आएंगे उनका नॉमिनेशन कराएंगे। क्योंकि राज्यसभा सीट को लेकर जेजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब हमारे चार विधायक जो है अब उनके पास हैं, लेकिन वो नाम तय करे राज्यसभा उम्मीदवार के लिए। देखिए, वो क्योंकि उनके पास बहुमत है, वो तो एक दूसरे के पाड़े में गेंद डालने वाली बात है, लोगों को दिखाने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हैं। उनके पास नंबर नहीं है, दोनों अगर मिल भी जाए तो भी नंबर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त नंबर। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हो गई है, लगातार बैठकें चल रही हैं, कांग्रेस अपनी अलग बैठक कर रही है, तो बीजेपी अपनी अलग बैठक कल करेगी गुरुग्राम में। क्या लगता है कि कौन कौन सा क्या उम्मीदवारों का क्राइटेरिया होगा इस बार? क्या जो मौजूदा विधायक हैं उनको भी इस बार टिकट मिलेगी? देखिए, ये तो जब पार्टी की हमारी प्रदेश की टीम बैठेगी और केंद्र की टीम बैठेगी, प्रदेश का जो पैनल बन करके आएगा विधानसभा अनुसार, उस पर केंद्रीय हमारा नेतृत्व उसके ऊपर चर्चा करेगा, और उसके बाद निकल करके आएगा परिणाम उसका। तो आज ये कहना कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, बहुत जल्दबाजी है। लेकिन जो कांग्रेस है वो कह रही है कि उनके पास 2500 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं, और इस बार ऐसे कैंडिडेट उतारेंगे जो जीत हासिल कर सके। देखिए, कैसे कैंडिडेट उतारेंगे, मेरे को तो इस बात की तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनका मामला है, पार्टी का मामला है। लेकिन एक चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी, जो पूर्व में इनकी गुटबाजी हम लोग देखते आए हैं, सुनते भी आए और देखते भी आए हैं, सड़कों के ऊपर ये लोग आपको उस गुटबाजी को दर्शाते दिखाई देंगे। और भारतीय जनता पार्टी एकजुटता से चुनाव मैदान में है, और निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार हम लोग बनाएंगे। लगातार आपका राजनीतिक जो करियर है वो काफी लंबा रहा है, इस बार चुनाव कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले अगर बात करें, बीजेपी, कांग्रेस, INLD ही चुनाव मैदान में होती थी, लेकिन इस बार INLD BSP के साथ गठबंधन में है, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, INLD अलग चुनाव लड़ रही है, JJP भी इस बार है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, तो आपका मुकाबला किससे होगा? देखिए, मुकाबला तो हरियाणा की जनता तय करेगी, लेकिन अगर आज हम देखें तो प्रमुख रूप से कांग्रेस सामने दिखाई देती है। हाँ, लेकिन ये है कि NLO और बसपा ने गठबंधन किया है, अब ये भविष्य में इस बात का पता चलेगा कि कितना मजबूती के साथ वो धरातल पर उतरते हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा किसी के अंदर दम होगा, क्योंकि JJP पार्टी तो लगभग अपने कारनामों के आधार पे उसका जो हाल है सब लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी भी कोई बहुत ज़्यादा कारनामा हरियाणा में कोई करिश्मा ऐसा कर नहीं पाएगी। हाँ, यहाँ तो मुकाबला BJP और कांग्रेस तथा INLO गठबंधन के बीच में। क्या BJP किसी पार्टी से गठबंधन भी कर सकती है? देखिए, अभी तो कोई गठबंधन की ऐसी कोई बात है नहीं, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव के अंदर जाएगी। तो बिल्कुल, ये थे सुभाष बराला जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।